मैं अकेले खाने मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, डब्बू और समीर के बगैर मेरे को अच्छा लगता है, मैं कुछ सॉरी गाइस तो ये ब्लॉग में मिस कर रहे हो कमेंट करके जरूर अल्लाह हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो शेख सिस्टर्स के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे और कुछ आज है नहीं कुछ ज़्यादा कुछ, नम्मा अपने घर पर है और अम्मी गए हैं मोहम्मद अली रोड उनके फ्रेंड्स लोग के साथ और मैं और नानी अकेले हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ, मैं अभी तो आलू बॉइल करने रखी हूँ, मैं बना रही हूँ आज चीज़ पोटैटो चीज़ बॉल और गाइस मैंने ये लिप बाम लगाई हुई, वरना आप लोग बोले कि लिपस्टिक लगाई है रोज़े में तो नहीं लिप बाम है, और इतने पोपट इतने पोपट इतना अच्छा लग रहा है, बस लोग की आवाज़ सुनते रहो इन पर बैठ के बहुत अच्छा लगता है। तो चलो अभी 5:30 बज चुका है, मैंने आलू बॉईल हो गए वो देख लेती हूँ, उसके बाद बनाते हैं चीज़ बॉल्स। सो गाइस हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं, अभी इसको थोड़ा ठंडा करके फिर इसके इसका क्या बोलते हैं छिलटा उतार देंगे। अल्लाह गिर गया गाइस, बहुत ज़्यादा गल गया शायद से। सो गाइस यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर दी हूँ चम्मच से, तो इसको थोड़ा मैं ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद फिर अच्छे से पूरा जो भी स्पाइसेस है हमारे लाल मिर्ची पाउडर या चिली फ्लेक्स जो जो भी है बाद में मिलाऊंगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद। सो गाइस मैंने सारे स्पाइसेस मिला थी इसके अंदर और मैं भूल गई शूट लेना, तो मैंने इसमें आमचूर पाउडर चिली फ्लेक्स काली मिरी पाउडर और ऑरिगेनो और थोड़ा सा चाट मसाला ये सब मिलाई और थोड़ा सॉल्ट ये मिला के मैंने मिक्स कर दी। अब इसके अंदर मैं चीज़ खूब सारा ग्रेट कर दूँगी और फिर बॉल्स बना लूँगी। सो गाइस मैंने यहाँ बॉल्स बना ली हूँ और बॉल्स बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब ली थी और मैदा और कॉर्नफ्लोर का घोल बना के उसमें डिप करके ब्रेड क्रम्ब लगा ली, और ये मैंने अलग अलग करी हुई है हम लोग के लिए और ये जाएगा नम्मो के घर पे, तो अभी समझ आ रहा है तो मैं जाके नीचे दे दूँगी तो वो भी फ्राई कर लेगी। तो और यहाँ पर बन रहे भजिए, नानी भजिए फ्राई कर रही है, फिर मैं ये फ्राई कर दूँगी फटाफट। सो गाइस चीज़ बॉल मेरे रेडी हो चुके हैं, मैंने उसको फ्रीज करने रख दी हूँ, क्या बोलते हैं फ्रिज में रख दो थोड़ा अच्छे से सेट हो जाते हैं तो फिर फूटते नहीं है, और थोड़े से नम्बों को भेज दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं अकेले खाने मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, नब्बो और समीर के बगैर मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं कुछ भी बनाऊँगी तो मैं अभी मैं वो आएगा तो मैं नीचे आके दे दूँगी। सो गाइस मैं नीचे से जाके आई समीर को फटाफट टेक कर आई और उससे मैंने दूध और वो रो अफ्जा मंगाई थी वो ला के लिया, तो फटाफट शरबत भी बन चुका है, शरबत बन गया हाँ, फिर नमाज़ पढ़ी, अभी नमाज़ पढ़ के क्योंकि फटाफट से भी फ्राई करती हूँ टाइम नहीं है अपने पास। यहाँ पर तेल चढ़ा दिए, ये पालक मेरी नानी कैसे फ्राई करी देखो, यानी पूरा पालक लग गए ले साइड में, क्या अभी मैं बॉल्स यहाँ पर निकाल दी हूँ फ्राई करती हूँ, तेल गरम हो गया कब से रखी ना डाल के देखती हूँ, बिस्मिल्लाह फूटे नहीं। सो गाइस ये देखो मेरे चीज़ बॉल मस्त रेडी हो गए क्रूम क्रूम, ये देखो अभी चार डाली चार इसमें और चार इधर बस फटाफट हो जाए फिर दस्तर पे चलते। सो गाइस ये फ्राई हो चुके हैं, देखो वो कितने अच्छे हुए, ये यहाँ नज़र लग गई देखो वो चिपक गए ना गाइस जाकर, तो थोड़े से यहाँ से देखो निकल गया क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है और ये ऊपर से नानी ने पूरा ये सब पालक तल तल के पूरा वो कर दी, तो चलो अभी चलते हैं, मैंने चार रख दी उठा के बाद में मम्मी आएंगे तो फ्राई करके दूंगी। सो गाइस हम लोग का दस्तर लग गया आज, मैं और नानी अकेले, ये प्लेट खाली है इसमें सॉस और वो मेयोनीज रखूँगी इसलिए भजिया बॉल्स पेरू कलिंगड़ और अपना जूस अफ्जे का पानी और नानी पानी और नानी और मैं आओ सब जन रोज़ा खोल। आज हम लोग जल्दी बैठ गए दस्तर पे, 6:46 को ही हम लोग बैठ गए, रोज़ तो इतना लेट होता है कभी कभी तो किचन में अजान हो जाती है, लेकिन आज सुकून से बैठे हैं मैं और नानी मस्त में है नानी ना, अच्छा है ना दुआ मांगने का टाइम मिल गया है ना वक्त मिल गया, चलो तुम लोग भी दुआ करो, दुआ में याद रखना हम लोग भी दुआ करते हैं, अब 30 दिन वालों को खास करके अपनी दुआओं में याद रखना, गाज़ा वालों को जो बच्चे भूखे मर रहे जो बच्चे इतने शहीद हो गए उन लोग को खास कर दुआओं में याद रखना अपना, और हम लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर करते ही हैं करते ही रहेंगे। सो गाइस रोज़ा खुलने के बाद अब आ गई है चाय, फिर बच्चे में बॉल्स बॉल बच्चे, तो अभी हम लोग चाय के साथ खा लेंगे, मैं और नानी अकेले बेचारे दो नानी सो गई थी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, सॉरी बोल सॉरी गाइज सॉरी सॉरी गाइज
सॉरी गाइस। तो गाइस नम्मा आई है घर पर और मेरे लिए देखो क्या लगाई लाई है, लगाई बोरी मेथी और चिकन की भाजी, अच्छी है, थोड़ी टेस्ट करी। और मेरी नानी को कंटा ला रहा तो मैंने तारक मेहता लगा के दे दी, क्या करूँ। और नम्मा और समीर अंदर बैठे मिलाती हूँ गाइस, ये देखो आई और आते ही साथ ठंडा ठंडा शरबत और एसी चालू करके बैठी है। और साथ में ये भी मैं ब्लॉग डालने के लिए आई, इसका ब्लॉग वहाँ पे वाईफाई अभी लोग लगाए नहीं है तो इसलिए वो ब्लॉग डालने के लिए आई, रोज ब्लॉग डाल। नहीं कर रहे, कर रहे कल के तो ब्लॉग, अभी तो तालीबू ब्लॉग में तो है इफ्तारी बना रही, बहुत कम दिख रही ना अभी कितने दिन से, इसलिए लगता व्यूज नहीं आ रहे। आप लोग दोनों साथ में नहीं है ना, सही पकड़े। अब तो साथ में जैसे अभी अकेले नहीं, अभी अपने दोनों का साथ मतलब नाम भी साथ में शान है, मेरा लोग साथ में ही पसंद करते लोग देखना, तो इसलिए तो रुको अभी थोड़ा वो अच्छे से सेट हो जाएगी ना सब एकदम प्रॉपर, तो फिर साथ में दिखेंगे तीनों तिगड़म। वो एकदम अभी सेट हो जाएगी सब अच्छे से, उसका काम वाम सब अच्छे से हो जाएगा सेट वेट, फिर इसका भी सब सेट हो जाएगा सब कुछ। क्या बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं है हाँ, तो इसलिए अभी तो सर प्रॉपर मेरा सेट हो गया तो हम लोग तीनों आपको दोनों ब्लॉग्स में दिखेंगे। हाँ सब कुछ करते हैं, इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो मेरा सब कुछ अच्छे से हो जाए सेट वेट। हाँ तो आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। अभी हम लोग ने इतना माइंड सेट करके रखा ना, हम लोग को ये चैलेंज करना है वो चैलेंज, लेकिन अभी फिलहाल अभी सब शिफ्ट शिफ्टिंग का अभी तक सेट हुआ नहीं है, शिफ्टिंग तो शिफ्ट तो हो गई है बट अभी तक उसको बहुत से उसके सामान वगैरह जो लाने घर में भी सब अच्छे से सेट हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, उसके बाद हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस आधा रमजान बीत गया, सही से लगा उसको, अरे नींद नहीं लग रहा है उसको, देखो पूरी जेली खाते बैठी है बच्चे लोग की जेली। आयरन खाने का है आधी पैकेट खा गई है, दो ही खाए लगी थी जगह अम्मी लाने की, नम्बो की शादी की शॉपिंग के टाइम पे मैं बोली थी तभी ले लो तो अभी आया ये 15 दिन के बाद, और ये एक लॉलीपॉप बचा के लाया देखो मेरे तो खा ही गया था मेरे सामने डाल के। और ये देखो ये लाए है मोजितो, पहले बोलते थे मैं आज रूअब्जा मंगाती थी ना बॉटल, ये यूज कर रहा हूं अब्जा मेरा, अरे को बच्चा पन और थोड़े ड्राई फ्रूट लाइट है चना ग्रास वो तो लाए तो मैंने मैं भी मंगाई थी उसको पापा पाउडर ये फ्रूट क्रीम बना ना खाना, अरे ना खुली थी अंदर पूरा गर्म आग पे गिर जा रहा है ज्यादा कुछ नहीं है, जैकफ्रूट भी लाता है पहले बादाम खा तो बादाम सो गाइस रात को खाना वाना खा के नमाज पढ़ के लेट गई थी, मैं लेटी थी मतलब सहरी के लिए उठा रहे, आवाज़ आ रही है। सो मैं सोई नहीं, जगी थी मैं बोले सो जाऊंगी ना तो फिर उठूंगी नहीं, आके देखो कैसी नींद में एकदम हो गई है। अभी मुझे सुबह के 6 बजे तक जगना पड़ेगा, क्यों मालूम पानी की वजह से, देखूंगी तो अम्मी को उठा दूंगी, मेरे को बहुत नींद आ रही है। तो अभी मैं क्या बोलते रहे उठी हूँ, मैंने सोची अभी कल कुछ ज़्यादा शूट हुआ नहीं तो मैंने सोची अभी मैं ब्लॉग डायरेक्ट थोड़ा सहरी का भी ले ही लूँगी फिर एंड कर दूंगी है ना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा ब्लॉग, फिर आप लोग शिकायत करते हो बहुत छोटा सा ब्लॉग था क्या करूँ अकेले क्या शूट करूँ तो छोटा ही बनता है, तो अभी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी सहरी वगैरह ले लूंगी, तभी मैं कल के जो चीज़ बॉल है ना मैंने 4 बचा दी थी, फ्राई नहीं की थी बहुत हो गए थे, तो मैं सोच रही वही फ्राई कर लूँ चाय के साथ पी लूँ खा लूँ सॉरी कितनी नींद आ रही पी लूँ बोल बोल रही हूँ, तो मैं चाय के साथ वो चीज़ बॉल खा लूँगी 4 बस, क्योंकि नहीं होता है सहरी में ज़्यादा, तो अभी मैं तेल गरम करने रखी हूँ और चीज़ बॉल फ्राई कर लेती हूँ, फिर चाय भी चढ़ाना है मुझे। गाइस यहाँ पर चाय चढ़ा दी मैंने, ज़्यादा दिख रही मेरे को पता नहीं, पड़े रह जाएंगे, अच्छी पकानी पड़ेगी थोड़ी सुखानी पड़ेगी, यहाँ पे तेल चढ़ाई हूँ फ्राई कर लेती हूँ,
फिर करते हैं सहरी। सो गाइस मेरी सहरी तैयार है, आ जाओ आप लोग भी। ये मैंने वहीं खड़े खड़े आधा खा ली, भूख लग रही थी, आओ आप लोग भी खाने। माशाल्लाह से सहरी हो गई, नमाज हो गई फजर की, अब बस 5 मिनट है पानी आ जाए फिर ताकि मिट्टी खा ली। अल्लाह बहुत देर लग जाएगी, पानी भर में बैठना पड़ेगा बहुत देर तक। सो गाइस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।